नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में न्यूरो हीलिंग शिविर का समापन हो गया है। आज दिल्ली के म्यूर विहार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में संत जगदीश मुनि जी का सम्मान किया गया। आज यहाँ पर न्यूरो हीलिंग शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिविर आयोजक सतबीर चड्ढा तथा भाजपा नेता नितिन चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। देखकर से यहां पर संत जगदीश मुनि तथा उनकी टीम को सम्मानित किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। दिल्ली के म्यूर विहार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में न्यूरो हीलिंग शिविर का आयोजन किया गया था। यह शिविर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा सतबीर चड्ढा के सहयोग से यहां पर आयोजित किया गया। 425वां न्यूरो हीलिंग शिविर यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 1500 मरीजों ने अपनी जाँच करवाई। सभी मरीज यहाँ पर इलाज के बाद पूर्णतः स्वस्थ हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के प्रबंधकों तथा यहाँ के स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। दिल्ली के म्यूर विहार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 425वें न्यूरो हीलिंग शिविर का समापन हो गया। 426वां शिविर संत जगदीश मुनि द्वारा दिल्ली के म्यूर विहार में ही लगाया जाएगा। यह शिविर 5 सितंबर से शुरू होगा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीटिलिटी का इलाज करते हैं और उसके अलावा साथ साथ रखिया भाई सर्वाइकल माइग्रेन का इलाज करते हैं। मेरी बेटी 6 साल की थी यहाँ, और मैंने 3 महीने पहले बाबा जी से इलाज कराया, संत जगदीश मुनि जी से, जिन्हें मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने उनके बारे में पढ़ा। फिर मैं फिरोजपुर गया, वहाँ पर एक भाई मर्दाना सोसाइटी कमेटी है फिरोजपुर के अंदर, वहाँ अपनी बेटी का इलाज कराया, जिसे गेहूँ से काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, और दिल्ली में उसका इलाज काफ़ी जगहों पर कराया और उसको कोई इलाज नहीं कर वहाँ मिला, कोई सफलता नहीं मिली उसके अंदर। और जब मैं फिरोजपुर गया तो वहाँ इलाज किया सर जगदीश मुनि जी से, और मेरी बेटी आज 4 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मयूर विहार छत्तीसगढ़ जो हिम्मतपुरी के अंदर पड़ता है, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरमोहित सिंह जी, सेक्रेटरी कुलदीप सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरदेव सिंह और हमारे कैशियर गोपाल सिंह जी का, और गुरु नानक साहब जी का जी सबसे पहले, जिन्होंने परमिशन दिलवाई गुरुद्वारे वालों से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं विनती करूँगा गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह जी का, और शुक्रगुजार हूँ सोनी अंकल जी का, जो उनकी मयूर विहार के अंदर शॉप है और मेरी उनसे कल से ही मुलाकात हुई है, और कल से लेकर अब तक ये परिवार बढ़ता ही गया 25 तारीख से लेकर। तो पहले तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संत श्री जगदीश मुनि जी, प्लीज़ एक बार आए, और आज उनका विदाई समारोह हमने रखा है गुरुद्वारे की तरफ से। ये संगत है जी, आप सभी का स्वागत है और आप सभी भी स्वागत करें संत जगदीश मुनि जी का। परम सत्कार योग गुरु गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, उन्होंने पावन हजूरी के आप सब विराजमान हैं, तो महाराज जी के चरणों के बहुत बहुत नमन। आज 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो न्यूरो हीलिंग थेरेपी का शिविर लगा, इसमें
बहुत सारी संगत ने जो है अपने शरीर के अंदर जो भी तकलीफ थी, बीमारियां थी, उनका इलाज करवाया और तकरीबन 1000 से ऊपर जो है वो रोगी शिविर में पहुंचे और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सबको फायदा हुआ है। मतलब 98% पेशेंट जो है वो न्यूरो हीलिंग पद्धति से ठीक हुए हैं। हमें भी खुशी है कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारे देश के संतों महापुरुषों की जो विद्याएं हैं, जो हमारे देश में लुप्त हो चुकी है और पिछले 25 वर्षों से लगातार 15 दिवसीय शिविरों की जो लड़ी हमने चलाई थी उसके चलते चलते एक न्यूरो हीलिंग पद्धति जो हमने एक खोज की है, तैयार की है और इस पद्धति के माध्यम से आज हम बिना दवाई के शरीर के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है, चाहे वो सिर में हो, चाहे वो गले में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो टांगों में हो, हम आसानी से खोल सकते हैं। आज आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, कोई ब्लॉकेज खुलवानी है तो लाखों रुपए लगते हैं और एक बार जिस बंदे का ऑपरेशन हो जाए वो किसी काम का ही नहीं रहता, वो एक चलती फिरती लाश की तरह हो जाता है। और ये हमारी जो महापुरुषों की, संतों की जो विद्याएं हैं उनसे देखो चुटकी में फायदा हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या है कि ध्यान नहीं देते। हमें एक ही बात रट रखी है कि एलोपैथी बस दवाई दवाई, दवाई एक जहर है जिसको ज्यादा खाएंगे तो उसका शरीर के ऊपर कोई ना कोई कुप्रभाव पड़ेगा और वो आगे जाकर के और किसी बीमारी का रूप धारण कर देगा। लेकिन अब कुछ बीमारियां ऐसी हो गई है, बीमारियां भी ढीठ हो गई है, वो कहते हैं हमने दवाई से ठीक ही नहीं होना, चाहे जितनी मर्जी खा लो आप। जैसे आपको सर्वाइकल की बीमारी है उसका किसी दवाई में कोई इलाज नहीं है, आपको माइग्रेन है किसी दवाई में कोई इलाज नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे भीड़ से एलर्जी है, अब गेहूं से जो एलर्जी है इसका किसी भी पैथी में कोई भी इलाज नहीं है, किसी साइंस में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों की विद्या में इलाज है। अभी न्यूरो हीलिंग जो पद्धति है इसमें 5 दिन में रोगी ठीक हो जाता है, कितनी बड़ी बात है, और वो भी बिना दवाई से और बिना किसी जीरा पानी से। 5 दिन इलाज लिया और छोटे छोटे बच्चे आज डॉक्टरों से देखो ना कितना डरते हैं, या खुश हो के बच्चे आते हैं और फटाफट लेटते हैं इलाज करवा के अपना खुशी से जाते हैं। 5 दिन में बीट गेहूं से एलर्जी का देखो इलाज है, माइग्रेन का 5 दिन में इलाज है, सर्वाइकल का 5 दिन में इलाज है, आंखों की कोई बीमारी है उसका 5 दिन में इलाज है, कितना संभव है देखो। लेकिन हमने क्या है कि देखो हमारा देश सबको पता है, हम सब गीत गाते हैं, संतों के गीत गाते हैं, महापुरुषों के गीत गाते हैं, पीरों पैगंबरों के गीत गाते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताई गई जो विधियां हैं, जो उनके द्वारा बताए गए मार्ग है, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो शिविर लगाने का हमारा मेन मिशन यही है कि जो हमारी प्राकृतिक विद्याएं हैं जिससे हम बिना दवाई ठीक हो सकते हैं, बिना किसी खर्चे के ठीक हो सकते हैं, हम उनको अपनाएं। आप अमेरिका में, कनाडा में, किसी मुल्क में चले जाइए, वहां पर जब कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले वो नेचुरल थेरेपी इलाज लेता है, उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी नाड़ी जो बंद हुई है, जो सिस्टम जाम हुआ है और कोई भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं और उसके बाद वो जेनरिक दवाई देते हैं, एलोपैथी दवाई नहीं लेते, जेनरिक दवाई, और वो बढ़ती कहाँ है, हमारे देश में बनती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो जेनरिक दवाई हमें नहीं मिलती है, विदेशों में जाती है लेकिन हमें नहीं मिलती है। और हमारे देश में ऐसी ऐसी विधियां हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स है
जिससे कि हम बीमार हो ही नहीं सकते। इनका मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है। मैंने पिछले 25 से लेकर 30 साल हो गए, मैंने कभी एक भी गोली नहीं खाई। आपने देखा होगा हमारा इलाज करने का एक ढंग, कभी भी थकावट नहीं होती, क्योंकि सुबह उठ के 2 घंटे योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, उससे सारा शरीर चालू हो जाता है। क्योंकि 24 घंटे में अगर एक बार आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो भी कोई सिस्टम जाम है, 24 घंटे में कितनी की बीमारी आएगी। कोई छोटी मोटी नाड़ी, कोई छोटा मोटा सर्कल अगर जाम हुआ है तो वो आपकी एक्सरसाइज से खुल जाएगा, आपके पास बीमारी आने का मतलब ही नहीं है। भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति बीमार होना ही नहीं चाहिए, उसका बीमारी का कोई मेल ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में इतनी विधियां हैं, इतनी टेक्निक है, इतना खजाना पड़ा है, लेकिन हम प्रयोग ना करें तो इसका तो क्या इलाज है। अगर हम सुबह अमृत वेले उठ के, गुरबाणी में भी लिखा है अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेले का मतलब कि सूर्य उगने से पहले पहले हम उठ जाएं, वो अमृत वेला है। टाइम के हिसाब से लो तो 3 से लेकर 5 बजे का जो समय है वो अमृत वेला है। आप 3 बजे उठेंगे तो मैं कहता हूं, गारंटी लेता हूं कि आपको कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। 3 बजे उठो, स्नान करो, थोड़ा योग और एक्सरसाइज करो, आपको बीमारी आ ही नहीं सकती। हल्की फुल्की छोटी मोटी, आजकल आपको टीवी पे या हर जगह यूट्यूब पे बहुत सारी आजकल तो टेक्निक्स है, वहां पर आपको योग की विधियां मिल जाएगी। आप कोई भी 2, 4, 5 एक्सरसाइज कर लो, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। सोने का नियम थोड़ा ठीक कर लो, सूर्य छिपने के बाद। सूर्य छिपने का मतलब ये होता है कि आप सो जाइए, क्योंकि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पंछी हैं, पहाड़ हैं, सब सूर्य छिपने के बाद विश्राम में चले जाते, सोते हैं, इसलिए वो कभी बीमार नहीं होते। आपने पक्षियों का कोई डॉक्टर देखा है, कोई हॉस्पिटल देखा है? पेड़ पौधों का भी इतने ज्यादा कोई हॉस्पिटल नहीं है, है क्या? लेकिन आदमी के एक एक गली में 10-10 हॉस्पिटल खुले पड़े, लेकिन आदमी फिर भी बीमार है, क्योंकि आदमी का जो ढंग है वो गलत हो गया है। आपका अगर जीने का ढंग गलत होगा तो आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और इस शरीर का एक और बात बता दूं कि इस शरीर का कोई डॉक्टर नहीं है, इस शरीर के सिर्फ आप ही डॉक्टर हैं। अगर आप सही समय पर उठते हैं, सही समय पर सोते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। मान लेते हैं कि अन्न में जहर है, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड के कण है, उससे आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या सही है। देखो, मैं सारा साल में धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि परमात्मा उनकी आयु लंबी करे, उनके घर में पूरी बरकत हो, ताकि आगे से भी ऐसा कार्यक्रम वो करवाते रहें। और हमारे अजीज जो नितिन जी बैठे हैं, नितिन जी चौहान, उन्होंने भी इस शिविर के अंदर काफ़ी सहयोग किया है। इसके साथ जो हमारे गुरुद्वारा साहिब की जो प्रबंधक कमेटी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है कि उन्होंने देखो शिविर लगाने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और उन सब ने अच्छा सहयोग किया है, अच्छा उनका बिहेव था, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। परमात्मा गुरु महाराज कहते हैं उनकी चढ़ती कला रखे। और भी संगत में माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने बहुत सहयोग किए शिविर में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि आगे से हम भी ये सेवा जो है वो करते रहें, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से सेवा होती है, क्योंकि संगत के सहयोग से, संगत के आशीर्वाद से ही सेवा होती है। और आपके प्यार सत्कार से आगे का शिविर जो है अगर दिल्ली में लगता है तो और भी संगत का भला हो, इसी कामना के साथ आज इस शिविर का अपने यहाँ समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, परमात्मा सबका भला करे, धन्यवाद। गुरु रूप साजी निवासी सत्संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़ी खुशी की गल है कि 25 तारीख तो साढ़े इतने गुरुद्वारा साहब विखे विशेष तौर से जो शिविर लगाया गया से उसका उद्घाटन होया सी। और संत जगदीश महान जी ने बड़े ही प्यार आदर सत्कार के नाल इतों दिया संतों के इलाज के अपना मन लगा के तन मन धन के नाल सेवा की। और अज तक उन्होंने जो सवेर के और शाम के शिविर के जो संतान ने इलाज किया है उसके लिए असी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इतों की स्कूल साध संगत वालों उन्होंने हार्दिक धनवाद करते हैं। और इस सब तो बड़ी खुशी की गल यह है कि जिन्हें भी इलाज कराने वास्ते गुरमुख प्यारे आए उन्होंने सारे हिंदू ही गुरु महाराज की असी सदका जगदीश मुनि जी की मेहनत सदका वो सारे ही बच्चे ठीक होके गए। और जो भी इलाज करवाने वास्ते आए और खुशी खुशी अपने घर वापस करते। और ये सब तो बड़ी खुशी की गल है। शिविर की समाप्ति है, आखिरी दिन है। तो इस वास्ते असी जगदीश मुनि जी का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दास वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना अमूल समा कढ़ के इन्नी दूरों आ के इतने मजबूर विहार के शिविर लगा के संतान की सेवा की है। गुरु महाराज जिन्होंने इस तरह ही फल बख्शिश कर समर्था बख्शिश कर ताकि अगे भी इस तरह के शिविर जिन्हें भी लगनगे उस इस तरह ही वज करके सेवा करते रहन। तो आओ गुरु प्यारे सत्संग जी, इस ही सारिया संतों का भी हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने दूरों दूरों आ के इतने अपने संत जी तो सेवा ली और अपनी बीमारी का इलाज करवाया, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहे।